एस्थेटिक्स। मैंने कहा आपसे आज थोड़ी सी बात करती हूँ। मैं आई हुई थी यहाँ पे अपनी एक क्लाइंट का पीआरपी करने के लिए, तो उनके रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब पीआरपी एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके ओपन पोर्स को बंद करता है, एक्ने को टोटली कंट्रोल करता है। लेकिन देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जब भी आप कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि थोड़ा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है। ये है कि 4-5 सिटिंग्स के बाद आपको उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब ये तो बात हो गई जी के ट्रीटमेंट्स की और इस किस्म की चीज़ें, लेज़र हो गया, ये हो गया, वो गया। आजकल हर वो, आज भी जो मेरे पास आई हुई थी बच्ची जो आई हुई थी, वो डॉक्टर नहीं भी होती है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से ये होता है कि हर वक्त स्किन डल लगता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, जैसा कि कुछ लोग अभी भी हमारे नियासिनमाइड जो क्रीम है वो यूज़ करते हैं बड़े शौक से। ये जो दो चीज़ें हैं, एंटी पोर क्ले और नियासिनमाइड, ये इनका काम ही ये होता है कि एक आपके पोर्स को श्रिंक करें, दूसरा आपके स्किन को टाइट करें। उसके अलावा ये 1500 की डील है, बड़ी ईजी अफोर्ड कर सकते हैं आप लोग, ये आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए नियासिनमाइड सिरम लगाएं, बिकॉज ये 100% ज़्यादा पावरफुल होती है, इसका जो इफेक्ट ज़्यादा जल्द आपको नजर आना शुरू होता है। आप दिन में 2 दफ़ा लगा सकते हैं। अगर स्किन बहुत ऑयली है तो रोज वाटर के साथ लगाएं, और अगर स्किन नॉर्मल है और सिर्फ ओपन पोर्स का मसला है तो आप उसको दही के साथ भी लगा सकते हैं, दूध के साथ भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपका स्किन खुद का कैसे है। टोटल शाइन आया कि आपके प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट लगाने से। उसके अलावा स्किन टाइट हो जाएगा, स्किन रिजुविनेट होता है। देखिए, हर बार जब आप अपनी स्किन के ऊपर एफर्ट करते हैं तो उसके बाद जो स्किन है आपका टाइट और फर्म फील करता है, एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड दीज डेज। एंटी एजिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है और मेरा ख्याल है कि हर लड़की का हक है कि वो यंग और खूबसूरत लगे। अच्छा, पहले आप अपनी क्ले लगाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के भी लगा सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाना। उसके बाद आप दिन में 3-4 दफ़ा नियासिनमाइड सिरम लगा सकते हैं। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्किन को, मतलब ये दाने अपेयर होने से बंद करेंगी, पोर्स को बिल्कुल क्लोज करेंगी, लेकिन ये है कि आपको हर रोज़ ये चीज़ें लगानी है। तो ये वाली जो हमारी डील है ये 2000 की, क्योंकि ये पावरफुल ज़्यादा है और आपको इसका इफेक्ट 100% ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं तो स्मेल का, बीओ का बड़ा मसला है, हर किसी के पास स्मेल आ रही होती है। तो नहा के मैंने इसीलिए ये प्रोडक्ट्स इस टाइम पे निकाले हैं, हमारा डीओ द बीओ जो है और जो हमारा बेसिकली मिस्ट है, बॉडी मिस्ट, ताकि आपके पास से खुशबुएँ आनी चाहिए पसीने से। मतलब जब आप नहाते हैं उसके बाद स्प्रे करें, दिन में 2-3 दफ़ा भी नहाएं लेकिन हर बार स्प्रे करें, अपने अंडर आर्म्स को ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि ये होता है कि हम गलत प्रोडक्ट लगा के अंडर आर्म्स भी डार्क होते जाते हैं और वो जगह भी डार्क होकर ख़राब हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि लाइट बेस्ड चीज़ें आप अपने उस पर लगाएं, ड्योड्रेंट्स वगैरह से परहेज करें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तरफ आएं। तो ये जब आप लगाएंगे तो यू फील फ्रेश, यू फील एनर्जाइज। जिन खवातीन को हमारे यहाँ बुकिंग करानी है हाइड्रा फेशियल्स के लिए, स्पेक्ट्रा के लिए, फिलर्स, बोटॉक्स, जो भी चीज़ आप लगे, थ्रेड लिफ्ट, ऑल दी थिंग, उसके लिए हमारा नंबर है 0333880108। इस पर आप बुकिंग करके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं और डॉक्टर आमना जो है वो कंसल्ट करेंगी। सो यू कैन ऑल कम इन, बुक योर सेल्फ अपॉइंटमेंट्स एंड गेट टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्किन, कि हमें स्किन पे क्या लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर शफक, और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ लेके आई हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। एक्चुअली हर दूसरे तीसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है। आज का जो टॉपिक है वो है कॉक्सिक डाइनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉक्सिक डाइनिया क्या होता है। कॉक्सिक डाइनिया बेसिकली जो हमारी रीढ़ की हड्डी की सबसे एंड वाली छोटी सी बोन होती है, जिसको हम टेल बोन भी कहते हैं, उसके दर्द को कॉक्सिक डाइनिया कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि ये दर्द किस वजह से होता है। ज़्यादा देर बैठने से भी ये दर्द हो सकता है, या अगर आप ज़्यादा देर किसी हार्ड सर्फेस पर बैठ रहे हैं तो भी ये पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई डिसलोकेट हुआ हो, या फ्रैक्चर, या कोई इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको एक्सरेज करवाने चाहिए, MRI करवाना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टिगेट हो जाए कि ये कॉक्सिक डाइनिया का ही दर्द है,
तो इसके जो मैनेजमेंट है उसके लिए पेन किलर्स मैं अपने पेशेंट्स को बिल्कुल नहीं देती। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं, फिजियोथेरेपी करवाएं। इसके अलावा एक मार्केट से कुशन मिलता है, डोनट कुशन, अगर आप उसके ऊपर भी बैठें तो आपका ये पेन बहुत हद तक रिलीव हो जाएगा आपके, क्योंकि नीचे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो जिसकी वजह से पेन बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा लगातार आप एक ही सरफेस पे ना बैठें, अपना पोजीशन चेंज करते रहें। ख़ास तौर पे उन लोगों को ये पेन एकदम से बहुत उठ जाता है, जब वो लगातार बैठ के एकदम उठते हैं तो उनकी कमर में एक बहुत दर्द सा उठता है। लगातार एक जगह पे ना बैठें, हार्ड सरफेस पे ना बैठें, और इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि विदाउट पेन किलर्स आपकी पेन कैसे ठीक होती है। सिर्फ फिजियोथेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप में से किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज गाइड करूँगी और जिसकी वजह से विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको जो मैं आगे टिप्स दूँगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। एंड थैंक यू सो मच मरियम जिन्होंने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है कि उनके व्यूअर्स के साथ कुछ हेल्दी टिप्स जो हैं वो डिस्कस कर सकूँ। थैंक यू। आज की हमारी जो एक्टिविटी चल रही है वो बच्चों से रिलेटेड है। अब हर बच्चे का एक अपना अंदाज होता है पढ़ने का, एक्सप्रेस करने का चीज़ें, और हम इनके ऊपर इतने सारे बर्डन्स डाल देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जीनियसेस बन जाए। हमारे बच्चे वैसे ही जीनियस होते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम से अपने बच्चों को लेकर चलती हूँ। एक एक चीज़, एक एक टाइम पे एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन मिलती है। इसके साथ मेरे साथ टीचर्स भी मौजूद होती हैं जो ये काम कर रहे होते हैं बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ के लिए, और जिसमें रीडिंग, राइटिंग, बच्चों के कलर्स, शेप्स, ये सारी चीज़ें। बच्चे हर तरीके से खेलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इनकी नॉलेज भी इसी तरह बढ़ती है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे आज कर रहे हैं। आपको आगे चल के हम दिखाएंगे कि बच्चे, हर बच्चा अपने अंदाज से सीखता है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है लर्निंग की, और जिस हिसाब से वो चलना चाहता है हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने एम्बिशन सारे बच्चों की तरफ वो कर दें। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आई है ईमान और उसने आके चीज़ें तोड़ दी हैं। तो आम तौर पे बच्चों की डिफरेंट एक्सप्रेशंस होती हैं। इस वक्त बच्चे बड़ा गुस्सा करते हैं और मूड ख़राब हो जाता है। तो इस वक्त बच्चों को सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है ये समझाने के लिए कि वो आपकी छोटी बहन है, ये चीज़ें हो जाती हैं। एंड देन अगेन वो अपनी चीज़ पर वापस कंटिन्यू करती है खेलना और वो चीज़ वापस जोड़ती है। बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे इकट्ठे मिल के बैठ के एक दूसरे के साथ रह के सीखते हैं, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें, वरना यूजुअली बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाती हैं और उनको जब एक दूसरे के साथ टाइम नहीं मिलता और जब हम इंडिविजुअली टाइम नहीं दे पाते हैं तो बच्चे वो चीज़ें नहीं सीख पाते हैं जिनके लिए वो एक्चुअली में पैदा हुए होते हैं। पढ़ाई होती है वो एक बर्डन नहीं होना चाहिए, एक खुशी से आपका दिल करना चाहिए। अफकोर्स इस चीज़ में भी बच्चे जो हैं वो इरिटेट होते हैं और उनका कई बार मूड नहीं होता, फिर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम से ब्रेक्स देते हैं, उनकी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। इमोशनल उनकी जो नीड्स होती हैं, कई बार प्यार से, कई बार थोड़ी बहुत डांट से, लेकिन पूरी हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि हम बच्चों को तरीके से बताएं कि किस तरह पढ़ना है, किस तरह करना, ताकि इनकी अपनी स्किल इस चीज़ में डेवलप होए और उसके अलावा इनका दिल करे ये चीज़ें करने का, और बच्चों के लिए बर्डन नहीं होना चाहिए ये चीज़ें ना। तो ये बच्चों को एक्चुअली जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो हम अपनी भी हमें गुस्सा चढ़ता है, डांट के कई बार उनसे वो कुछ लव्स, कुछ चीज़ें प्रोनाउंस नहीं हो रही होती, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे सीख नहीं पा रहे होते कुछ ऐसी चीज़ें, तो हम उनके साथ गुस्सा करें, वो ज़रूरत नहीं होती। बच्चे की अपनी लर्निंग कैपेसिटी होती है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है आगे वो याद रखता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे में बोझ नहीं होनी चाहिए पढ़ाई, पढ़ाई शौक से होनी चाहिए, यही चीज़ें हम इनके इसमें डेवलप करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास टीचर भी मौजूद हैं जो बच्चों को पढ़ा रही होती हैं अपने तरीके से, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बड़े प्यार से इनको सिखाती हैं। वेरी गुड, कहाँ है आम जोया? वेरी गुड, जोया को आम पसंद है जी। इतना पसंद है, और क्या है, ये क्या है जोया? अंगूर। वाह, जोया अंगूर खाती है जी। और ये क्या है जोया? बे पतंग। वाह जी वाह। और बे बेबी, बे बेबी, बे बेबी, ये तो बी बी फॉर बेबी है। बी फॉर बेबी नहीं,
सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, बी फॉर बेबी, बी फॉर बेबी, और क्या है, ये क्या है, ये ऊपर देखो, ये क्या है, वेरी गुड जोया, और ये क्या है जोया, डॉल, वेरी गुड, द डॉल का कैट, द डॉल, द डॉल, हाँ डॉल का है, दिखाओ, द डॉल, वेरी गुड, द कैट, 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 वेरी गुड. तो ये बच्चों के अपनी तरीके होते हैं सीखने के, गलत कुछ भी कर रहे हो तो डजंट रियली मैटर, फिर सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता इनकी, मतलब ये बच्चे लर्निंग का एक्चुअली होता है, हमारे यहाँ राइटिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बच्चे विजुलाइज करते हैं चीज़ को, फिर उसको एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं, तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए. वेरी गुड भाई, वेरी गुड, तालियां, क्लैपिंग फॉर जोया, क्लैपिंग फॉर जोया, वेरी गुड. इस तरह बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों में इनकरेज करते हैं हम इसी तरह, ताकि वो उनको खुशी डेवलप होती है, फिर वो और बेहतर सीखती हैं. हाँ, कैसे नानी तेरी मोरनी को, चोर ले गए, अच्छा अच्छा फिर आगे क्या है ईमान, दोबारा से सुना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, चोर ले गए. अच्छा वो सुना दो जरा, दूध में पताशा क्या, अल्लाह काका लोरी, ये काका को सुला, ये काके को सुलाओ जरा, इसको सुलाओ, अल्लाह काका लोरी सुनाओ बेबी को, कैसे मुन्ना करे तमाशा, ठीक है. ईमान ने स्कूल जाना है, ईमान ने स्कूल नहीं जाना, स्कूल जाना है, हाँ स्कूल जाना है, ठक ठक ठक, कौन आया, दादा खोलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, वेरी गुड ईमान, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर ईमान एवरीबॉडी. अंडा घर में रखा है, घर के बाहर जंगला है, ये ढोड़ बड़ोड़ का बंगला है, चूहा है, ये चूहा है, ये चूहा है, चूहे ने अंडा चखा है, चूहे ने अंडा चखा है, अंडा घर में रखा है, घर के बाहर जंगला है, ये टोट बड़ोड का बंगला है, ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, बिल्ली को चूहा प्यारा है, चूहे ने अंडा चखा है, अंडा घर में रखा है, घर के बाहर जंगला है, ये टोट बड़ोड का बंगला है, ये लड़की है, ये लड़की है, लड़की ने बिल्ली पाली है, बिल्ली को चूहा प्यारा है, चूहे ने अंडा चखा है, घर में रखा है, घर के बाहर जंगला है, ये टोट बड़ोड का बंगला है, मौसी मौसी come out of your house underneath the door by the kitchen floor agla maaj maaj buri nu aan jaanti pasuri nu re bare ha teri pi jaawa main puri nu aan see you nahi aaya dil bank bank mere aaya
गागा को गदस जाओ गागा प्योरी चूरी मैनू ना रोके मेरे डोल जाई Thank you.